नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। नासिक के भद्रकाली पुलिस थाने के सीनियर ने किया राजेंद्र केदारनाथ शर्मा का सम्मान। यह सम्मान उनकी ईमानदारी के लिए मिला। शर्मा ने अपनी ओमनी गाड़ी में पैसेंजर का छूटा हुआ 4 तोला सोना 2 बजे रात किया था घर जाकर वापस। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ने जताई स्वच्छता के प्रति गंभीरता। देश के टॉप 100 शहरों में राजधानी लखनऊ का नाम शामिल न होने से सीएम योगी हुए चिंतित। सड़कों पर खुद लगाई झाड़ू। मुंबई में गर्मी के बढ़ते मिजाज से मुंबईकर हुए बेहाल। हवामान का ऐलान, इस साल पड़ेगी भयंकर गर्मी। दिल्ली के तुगलकाबाद में कंटेनर डेपो से गैस लीकेज होने से 300 से अधिक स्कूली बालिकाएं हुई बीमार, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में किया गया भर्ती। 7/26 पे बच्चों ने शिकायत करनी शुरू करी कि उनकी आंखों में जलन हो रही है और पेट में दर्द उठ रहा है। तो इस कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हुए इमीडिएटली PCR और लोकल पुलिस की टीम्स मोबिलाइज की गई। जब देखा कि स्कूल में काफ़ी बच्चे हैं और शिकायत बता रहे हैं, तो इमीडिएटली इनको शिफ्ट किया गया 4 हॉस्पिटल्स में। ये हॉस्पिटल्स हैं ESI हॉस्पिटल जो ओखला क्षेत्र में आता है, बत्रा हॉस्पिटल और मजीदिया हॉस्पिटल जो अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र में आते हैं, और अपोलो हॉस्पिटल जो थाना सरिता विहार क्षेत्र में आता है। अभी तक डॉक्टर्स से बातचीत में ये पता चला है कि किसी भी बच्चे की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल नहीं है, सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। जो माइनर इरिटेशन आंखों में और पेट में दर्द बताया गया था, उसके लिए इनिशियल और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ट्रीटमेंट दिया जा चुका है। जिन बच्चों की कंडीशन बेहतर है, उनको पेरेंट्स को स्कूल अथॉरिटीज़ की प्रेजेंस में हैंडओवर किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर विवाद के चलते कराची की विमान सेवा हुई बंद।